Hello friends from Guddu once again and welcome to the YouTube channel of Salar Latif the Vlogger. Last vlog में मैंने जैसा कि कहा था कि Guddu Thermal Power Plant की residential colony का tour देने की कोशिश करूँगा, तो आज इसी गर्ज से मैं Guddu Thermal Power Station की residential colony से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। बाज़ाक़ात इंसान को बचपन में जब कोई चोट लग जाती है तो उसके जख्म के जो नक्श हैं वो जिंदगी भर इंसान के जिस्म पर आ जाते हैं, जिस तरह ये मेरे फॉरहेड पर भी एक है आपको नज़र आता हो। बचपन में व्हेन आई वाज नॉट स्कूल गोइंग एट दैट टाइम तो मैं गिर गया था और उसका ज़ख्म जो है अभी तक मेरे फॉरहेड पर मौजूद है। तो इसी तरह इंसान की जो बचपन की यादें हैं वो भी इंसान के अंदर में ही रह जाती हैं और ज़िंदगी भर उसका साथ नहीं छोड़ती। और बचपन का जब जिक्र खुलता है तो मैं एक और बात यहाँ पर कहना लाजमी समझता हूँ कि आपके पेरेंट्स का जो प्रोफेशन है वो आपकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। लाइकवाइज मेरा अगर एग्जांपल ले लें तो माय फादर वर्क्स इन वापडा और मेरी ज़िंदगी में जो असर है वो वापडा का और मिलिट्री का कुछ ज़्यादा है। वो इसलिए कि आई वॉज बॉर्न इन खैरपुर बट आई वॉज ब्रॉट अप इन लाखड़ा पावर हाउस और इट वॉज इन जामशोरो डिस्ट्रिक्ट। तो फिर मेरा जो स्कूल गोइंग मैंने जो स्टार्ट की नर्सरी से लेकर फिफ्थ तक, आई स्टडीड इन आर्मी पब्लिक स्कूल पिटारो, तो वहाँ पर पूरा एक मिलिट्री का माहौल होता था। और इस तरह जो मैं पला बढ़ा और मेरा जो बचपन का वक्त गुजरा, मेरे जो फ्रेंड्स थे वो लाखड़ा पावर हाउस की रेजिडेंशियल कॉलोनी में गुजरे। मुमकिन है कि आपका भी इसी तरह कहीं ना कहीं किसी जगह पाकिस्तान में वक्त गुजरा हो, या हो सकता है कि पाकिस्तान से बाहर, लेकिन आप वहाँ पर मौजूद ना हो और उसकी यादें आज तक आपके साथ हों। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि जो लोग यहाँ से शिफ्ट हो गए हैं उनको एक ट्रिब्यूट पेश करने के लिए, क्योंकि मेरे भी बहुत ज्यादा दोस्त ऐसे हैं जो अभी Guddu पावर प्लांट के इस रेजिडेंशियल कॉलोनी में उन्होंने अपना बचपन गुजारा लेकिन अभी वो यहाँ पर नहीं रहते, लेकिन जब भी उनके साथ बात होती है तो वो इस कॉलोनी को बहुत ज्यादा मिस करते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि इस रेजिडेंशियल कॉलोनी का एक ऐसा समझ लें कि रोड ट्रिप मैं आपको दे दूं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई वुड लाइक टू शेयर डिस्क्लेमर विद यू कि Guddu कॉलोनी में लाइफ एट Guddu की एक सीरीज शूट हो सकती है, बहुत सारी चीजें एक्सक्लूसिवली कवर हो सकती हैं, लेकिन मुख्तसरन आज इस एक वीडियो में उनको हम नहीं समा सकते। तो इसके बायस आज हम एक सिंपली रोड ट्रिप इस कॉलोनी का कह दें कि वो लेंगे, वॉक अराउंड कह दें और यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं। और हो सकता है कि मेरी ये वीडियो कभी किसी दौर में कोई एक ऐसा बंदा देखे जो अपना बचपन यहाँ Guddu कॉलोनी में गुजार कर यहाँ से शिफ्ट हो गया है, तो फिर उसको जो यादें हैं उनका एक फ्लैशबैक आ जाए। तो इसी गर्ज से मैं आज आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। चलते हैं, Guddu कॉलोनी का विजिट करते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड press the bell icon and keep supporting Salar Latif the Vlogger. बचपन की तो बहुत सी यादें हैं। हमारे यहाँ कैंटीन थी एक छोटी सी ना, तो वहाँ पे चावल छोले मिलते थे, बहुत ज़बरदस्त इन्वायरमेंट होता था, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ग्रीनरी होती थी, मिनी पाकिस्तान हुआ करता था। हर मकतब फिक्र के बंदे होते थे, मुख्तलिफ कल्चर के लोग मिले, सिंधी हो गए, बलोच हो गए, पठान हो गए, तो ये काफ़ी चीज़ें जो है ना हमें वहाँ Guddu से मिली थी। Guddu में एक ज़बरदस्त किस्म का पब्लिक पार्क हुआ करता था, हॉस्पिटल के सामने होता था, और वहाँ पे आजकल तो कुछ भी नहीं है, मगर किसी ज़माने में वहाँ पे हम रात को जब डिनर करके घर वालों के साथ जाया करते थे तो ज़बरदस्त किस्म के झूले लगे होते थे, स्लाइड्स लगी होती थी। इसके अलावा वहाँ पे सिनेमा था, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का माहौल हुआ करता था। और आजकल तो मैं हैदराबाद में हूँ और इन सब चीज़ों को मिस करता हूँ, इस तरह के एनवायरनमेंट को मिस करता हूँ, इस तरह की चीज़ों को मिस करता हूँ। So friends, right now we are standing outside residential colony of Guddu Thermal Power Plant and इस वक्त अभी जिस सड़क पर हम खड़े हैं ये हम टुवार्ड्स Guddu बैराज जाने वाले रास्ते के ऊपर खड़े हैं। और Guddu टाउन इससे पहले भी मैं अपनी वीडियोज में आपको दिखा चुका हूँ, और Guddu थर्मल पावर प्लांट की जो लोकेशन है, इफ वी आर ट्रेवलिंग टुवार्ड्स Guddu बैराज फ्रॉम
कश्मीर ऑन दिस रोड, तो हमारे राइट साइड पर आती है। तो यहाँ जिस मकाम पर इस वक्त अभी हम खड़े हैं, यहाँ से गुड्डू रेजिडेंशियल कॉलोनी है वाडा की, उसका मेन एंट्रेंस है। और इससे क्रॉस करके जब हम आगे जाएंगे टुवर्ड्स गुड्डू बैराज, तो फिर राइट साइड पर गुड्डू पावर प्लांट का मेन गेट आता है। कॉलोनी में जो एम्प्लॉयज की रेजिडेंस है उनके लिए कॉलोनी के अंदर से ही पावर प्लांट का लिंकेज है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। अभी हम गुड्डू थर्मल पावर स्टेशन के मेन गेट से इन हो रहे हैं कॉलोनी में, और गुड्डू पावर प्लांट की रेजिडेंशियल कॉलोनी आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स, ये गुड्डू थर्मल पावर प्लांट की रेजिडेंशियल कॉलोनी का मेन गेट है जिससे हम एंटर हुए हैं। और ये जो लेफ्ट हैंड साइड पर रास्ता जा रहा है, ये कॉलोनी में जो एम्प्लॉयज रहते हैं उनके लिए पावर प्लांट की तरफ जाने के लिए रास्ता है अंदर से ही। अभी ये इस गेट से हम फॉर्मली कॉलोनी के अंदर एंटर हो गए हैं। मेरा नाम है मोहम्मद जरार हुसैन और मेरा ताल्लुक ज़िला रहीमियर खान से। बचपन मेरा तकरीबन गुड्डू में ही गुजारा है मैंने। बहुत सारी अच्छी और तल्ख यादें वाबस्त हैं गुड्डू से। एक वक्त था कि जब गुड्डू कॉलोनी इतनी खूबसूरत और सरसब्ज़ शादाब होती थी कि दूर दूर से लोग इसको देखने के लिए आते थे। बहुत यादें हैं, मेरी स्कूलिंग वहाँ से थी, फिर मैंने कॉलेज वहाँ से किया। बहुत अच्छे अच्छे दोस्त मिले, बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले, तकरीबन हर कम्युनिटी का और हर शहर से, पाकिस्तान के हर शहर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग वहाँ मौजूद थे। बचपन बहुत अच्छा गुजरा, जवानी भी बहुत अच्छी गुजरी। फ़िलहाल मैं रहीमियर खान में हूँ, लाहौर होता हूँ, लेकिन जब भी मुझे मौका मिलता है मैं गुड्डू ज़रूर 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 जाता हूँ। बेशक उधर अब कुछ नहीं है, मिलने मिलाने वाले सब दोस्त चले गए, लेकिन अभी भी यादें जुड़ी हुई हैं गुड्डू के साथ, तो इस वजह से रहा नहीं जाता। जब दिल करता है गुड्डू ज़रूर जाता हूँ मैं। लोग बहुत अच्छे थे, बहुत मिलनसार थे, सब के सब बहुत अच्छे थे, एक फैमिली की तरह हम सब लोग वहाँ रहते थे। और आप यकीन करें कि जितने साल मेरे वालिद साहब, तकरीबन 37 साल उन्होंने गुजारे उधर, मैंने अपनी उम्र के 20 साल तकरीबन वहाँ गुजारे हैं, तो एक अटैचमेंट है गुड्डू के साथ। गुड्डू नहीं भूल सकते हम गुड्डू को नहीं भुला सकते। फ्रेंड्स, ये इस कॉलोनी में वापे CPGCL गर्ल्स हाई स्कूल है, और इस गर्ल्स हाई स्कूल की इन दिनों मुझे एक बात बहुत पसंद आती है कि जब ये ओपन होता है तो इसके मेन गेट के आगे एक बोर्ड रखा जाता है जिस पर मैसेज दिया गया है कि मार नहीं प्यार। तो बच्चों को पढ़ाने के लिए लेटेस्ट मेथोडोलॉजीज़ हैं, ऑब्वियसली 21st century है, साइंटिफिक दौर है, तो अब वो आउटडेटेड तरीके गुजर गए हैं। इस स्कूल के बाहर इस बोर्ड को रख कर और इस मैसेज को प्रमोट करना मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करता है। कैंटीन के नाम से जाना जाता है, और तमाम तर जो बड़ी शॉप्स हैं वो यहाँ पर हैं। ज़रूरियात ज़िंदगी की तकरीबन सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल होती हैं इस जगह। और बेसिकली ये कॉलोनी डिफरेंट ब्लॉक्स हैं घरों के जिनमें डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई है, यानी एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक, ई ब्लॉक, और उसके अलावा एन ब्लॉक, एम ब्लॉक, इस तरह डिफरेंट कैटेगरीज हैं घरों की।
और वाडा की जो भी पाकिस्तान के अंदर कॉलोनीज हैं उनमें से बड़ी कॉलोनीज में से एक गुड्डू कॉलोनी है। तो यही रीज़न है कि इस कॉलोनी में मल्टीपल मार्केट्स हैं, ये एक ही मार्केट नहीं है, लेकिन फिर भी जो मेन मार्केट है वो यही एक मार्केट है। बाकी डी ब्लॉक का मार्केट अलहदा है और उसके अलावा एक दो छोटी छोटी मार्केट्स और भी हैं, लेकिन यह है कि जो मेन मार्केट है वो यही है। पहले भी आपको अपनी वीडियोस में बताया है कि गुड्डू टाउन इज नोन फॉर इट्स थर्मल पावर स्टेशन, और यहाँ पर जो इस थर्मल पावर स्टेशन की रेजिडेंशियल कॉलोनी है उसकी एक अपनी इम्पोर्टेंस है, एक अपनी सिग्निफिकेंस है। तो यहाँ पर कॉलोनी के अंदर ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम तर चीज़ें अवेलेबल हैं, और बैंक्स वगैरह यहाँ पर अंदर ही कॉलोनी में हैं, हॉस्पिटल यहाँ पर हैं और मार्केट्स वगैरह यहाँ पर हैं, मतलब तमाम तर चीज़ें ज़रूरत की यहाँ पर इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए ओवरऑल इस कॉलोनी की, तो पहले जो फ्रेंड्स यहाँ पर रह कर गए हैं वो बताते हैं कि ये शुरुआती दौर में बहुत ज़बरदस्त आर्किटेक्ट था इसका, और इसके बाद फिर इसकी रेनोवेशन नहीं हो सकी, लेकिन ये है कि यहाँ पर ये जो एरियाज़ हैं लोकल वहाँ पर गुड्डू की ये जो रेजिडेंशियल कॉलोनी है उसको ऐसा समझ लें कि कराची के अंदर कोई डिफेंस हो या फिर लाहौर की अगर कोई पोश आबादी हो उस जैसी सिग्निफिकेंस हासिल है। बिकॉज देखिए ट्राइबल एरियाज हैं इधर आसपास और उसके अंदर कॉलोनी का माहौल जैसा भी हो, एम्बियंस जैसा भी हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ दिस, लेकिन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मैटर्स अ लॉट। तो यहाँ पर एम्प्लॉयज़ की जो फैमिलीज रहती हैं उनके लिए एक सेफ एंड सिक्योर माहौल है, फैसिलिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं और तमाम तर यहाँ पर चीज़ों की अवेलेबलिटी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक कंप्लीट लाइफ है यहाँ पर अंदर जो बस रही है, तो जिसके बायस यहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं उनको कॉलोनी के बाहर जाने की इतनी नीड नहीं होती। मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि शॉपिंग वगैरह के लिए रहीम यार खान या सादिकाबाद जाना पड़ता है क्योंकि बड़े शहर वो हैं नज़दीक। तो बाकी जो चीज़ें हैं ज़रूरियात ज़िंदगी की वो यहाँ पर इजीली अवेलेबल होती हैं। और ये फ्रेंड्स इस वक्त हम CPGCL डिग्री कॉलेज गुड्डू के पास से क्रॉस हो रहे हैं। कॉलेज भी ये मैंने अभी आपको दिखा दिया, और इसके अलावा हाई स्कूल हम पहले ही देख कर आए हैं, गर्ल्स स्कूल हम पहले देख कर आए हैं, इससे पहले प्राइमरी स्कूल भी आपने देखा। तो जैसे मैंने पहले बताया कि तमाम तर चीज़ें या सहूलियात यहाँ पर अवेलेबल हैं, और ये गुड्डू कॉलोनी का पेडेस्ट्रियन गेट है, इसको गेट नंबर 3 कहा जाता है, और इसके बाहर जो सामने आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है वो गुड्डू टाउन का मेन स्टॉप है जहाँ पर वैन्स वगैरह रुकती हैं, और इस गेट से पेडेस्ट्रियन का एक्सेस है अंदर कॉलोनी की तरफ, जो यहाँ पर आकर फिर अंदर कॉलोनी की तरफ जाते हैं। मेरा नाम डॉक्टर रजा मोहम्मद है, करंटली मैं जिना हॉस्पिटल कराची में हाउस जॉब कर रहा हूँ। मैंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन और इसके अलावा कॉलेज लाइफ वाडा कॉलोनी गुड्डू में
हासिल की। वाडा कॉलोनी गुड्डू में चूँकि मैं वहाँ पे पैदा हुआ, तो मैंने अपना पूरा बचपन और मैंने अपने ज़िंदगी के 22 साल मैंने वाडा कॉलोनी गुड्डू में गुजारे। वाडा कॉलोनी गुड्डू जैसा माहौल मुझे आज तक कहीं पर भी नहीं है, जहाँ पर लाइट का सुकून, गैस का सुकून और पानी का सुकून हर वक्त है। तो वाडा कॉलोनी गुड्डू को हम बड़ा मिस करते हैं, क्योंकि करंटली मेरे बाबा वहाँ से रिटायर हुए हैं, तो इस वक्त जो है हम वहाँ से शिफ्ट हो गए हैं। तो गुड्डू की बड़ी याद आती है हमें, गुड्डू को हम बहुत मिस करते हैं। वक्त हम वर्डा के ऑफिसर्स क्लब की तरफ टर्न हुए हैं, जिसके बराबर में ये टेनिस कोर्ट उजड़ा हुआ आपको नजर आ सकता है। और ये ऑफिसर्स क्लब है जिसके अंदर जिम्नेजियम है और ऐसा समझ लें सेमिनार हॉल वगैरह, और यहाँ पर जो फैमिली इवेंट्स वगैरह होते हैं ऑफिसर्स के वो यहाँ पर होते हैं, और उसके अलावा अंदर बैडमिंटन कोर्ट है। मैंने पहले भी आपको बताया कि हमारे इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ गुड्डू कॉलोनी का रोड ट्रिप ही होगा, और ये जो तमाम मैं स्पॉट्स आपको दिखा रहा हूँ इनकी एक्सक्लूसिव वीडियोस भी बन सकती हैं और लाइफ एट गुड्डू की एक अलहदा सीरीज़ बन सकती है। लेकिन ये हम आज मुख्तसरन जस्ट ऐसा समझ लें कि गुड्डू रेजिडेंशियल जो कॉलोनी है थर्मल पावर प्लांट की, उसका एक वॉक अराउंड कह दें, रोड ट्रिप कह दें, तो उसमें ये तमाम तर चीज़ें कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अदरवाइज़ यहाँ पर एक्सक्लूसिवली दिखाने के लिए बहुत कुछ है।